पटना से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सिगौड़ी थाने के पसौड़ा गांव में जुताई के दौरान नोटबंदी वाले 500 और 1000 रुपए के लाखों नोट बरामद हुए हैं। बता दें कि जमीन से नोट निकलने की जानकारी जब गांव के लोगों तक पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भागे भागे खेत में जा पहुंचे और वहां पर नोट चुनने की होड़ लग गई। जिसके हाथ जो लगा वह वहां से लेकर चलता बना। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर वहां पहुंची, लेकिन तब तक सभी ग्रामीण वहां से नोट लेकर भाग चुके थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पसौड़ा गांव निवासी अजय सिंह के खेत में ट्रैक्टर से खेत की जुताई चली थी। इसी दौरान एक प्लास्टिक का रुपयों से भरा बोरा ट्रैक्टर में फंस गया, जिसके कारण वह बोरा जो है पूरी तरह से फट गया था। बोरा फटने के कारण पूरे खेत में 500 और 1000 का पूरा नोट फैल गया था, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक भागकर गांव में गया और घटना की जानकारी खेत मालिक और ग्रामीणों को दी। खेत से नोट निकलने की बात सुनकर ग्रामीणों की भीड़ खेत की तरफ दौड़ पड़ी। खेत में पहुंचे लोगों ने जब इसका नजारा देखा तो वो हैरत में रह गए। पूरे खेत में 500 और 1000 के नोट फैले हुए थे, जिसके बाद वहां लोगों ने नोट चुनने की होड़ मच गई। देखते ही देखते खेत से सभी नोट गायब हो गए और वहां सिर्फ फटा हुआ प्लास्टिक का बोरा ही बच गया था। पुलिस को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वह मौके पर वहां पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रामीण खेत से सभी नोट लूट कर ले जा चुके थे। ग्रामीणों की माने तो बोरे में करोड़ों रुपए थे। वहीं सिगौड़ी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने खेत में रुपए मिलने की बात को स्वीकार करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि खेत में इतनी भारी मात्रा में पूरा नोट कहां से आए और किसने वहां छुपा कर रखे थे।